Welcome to your online classes, class second. This is the video about the subject of EVS, also you can say social study, SST, and this is your books cover, community, a book of social studies part 2. Students, you have already completed your 6 lessons, all work and question answer, etc. Today we have started the lesson 7, keeping safe. This is your new lesson 7, keeping safe. Page number 34. Please use your phone to hear and understand properly. Let's start. Let us learn about. हम जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ने में समझ में आएगा या हम किस किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. First, on the road, in school, at home, in the playground, more safety rules, first aid. ये लेसन है आपका कीपिंग सेफ, यानी हमको अपने आप को कहाँ कहाँ किस तरह से सेफ रखना चाहिए, किस जगह पर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह से हर्ट नहीं हों. ओके, लेट्स स्टार्ट. केयरलेसनेस कैन कॉज एक्सीडेंट. एक्सीडेंट हमेशा हमारे लापरवाही की वजह से होता है. यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल. अगर आप चाहते हैं आप हर्ट ना हों और आप चाहते हैं आपको कोई तरह की तकलीफ ना हो, तो आपको कुछ रूल्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए. ऑन द रोड, सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क पर, या हम जब सड़क पर चलते हैं. वी मस्ट ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो रोड वहीं से क्रॉस कीजिए. वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली. ट्रैफिक लाइट में जैसा सिग्नल हो उसके अकॉर्डिंग हमको अपना बिहेव करना है. वी मस्ट नेवर गेट ऑन और गेट ऑफ अ मूविंग बस. चलती हुई बस से ना तो उतरिए और ना ही चढ़िए. वी मस्ट नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग व्हीकल. चलती हुई गाड़ी से अपने आप सर को बाहर निकालना या हाथ को बाहर निकालना, इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए. ये चीज़ें हो गई ऑन द रोड. जब आप रोड पे चल रहे हो तो क्या आपको केयर करना होगा. इन स्कूल, अब जब बच्चा आप स्कूल में हो, स्टूडेंट हो और आपको स्कूल में हर्ट ना हो, इसके लिए कुछ प्रॉपर चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. वी शुड नॉट जंप ऑन बेंचेस. हमें बेंच जो होती हैं पढ़ने की के लिए, जो लकड़ियों की बेंच होती है, उस पर जंप नहीं करना चाहिए. वो पतली होती हैं और आप स्लिप कर सकते हो. डू नॉट जंप ऑन द बेंच और टेबल. और ना ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर या एक बेंच से दूसरे बेंच पर जंप करना चाहिए. डू नॉट पुश ईच अदर वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स. जब आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो, प्रेयर के बाद बच्चे ऊपर जाते हैं या रिसेस में लंच टाइम में उतरते हैं, तो एक दूसरे से उतरते समय प्रॉपर ख्याल रखो, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए. डू नॉट यूज़ अ ब्लेड और अ नाइफ फॉर शार्पनिंग योर पेंसिल. चाकू या ब्लेड जैसी धारदार वस्तुएं आप लेकर के पेंसिल को शार्प नहीं कीजिए. और भी तमाम सारी सेफ चीज़ें होती हैं, कटर होते हैं, शार्पनर होते हैं, जिनसे आप इजीली और सेफली अपने पेंसिल को शार्प कर सकते हैं. इट कैन कॉज मल्टीपल इंजरीज. इन सब चीज़ों से तरह तरह की इंजरी या दुर्घटना हो सकती है. इसके बाद आ जाइए एट होम. जब बच्चे घर पे होते हैं, भले ही घर पे आपके बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आप एल्डर भाई बहन होते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसका ख्याल बच्चों को खुद भी रखना चाहिए. डो नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स. कभी भी माचिस से कोई खिलवाड़ नहीं कीजिए. यू मे बर्न योर फिंगर्स. इससे आपकी उंगलियों में जल सकता है. कम एट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स. यू मे गेट अ शॉक. गीले हाथ से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं छूनी है, वो आपको बिजली का करंट झटका दे सकता है. डू नॉट लीव योर टॉयज लेइंग अराउंड ऑन द फ्लोर. आप ज़मीन पर, फर्श पर अपने खिलौनों को यहाँ वहाँ बिखेर के मत छोड़िए. यू और समवन एल्स मे ट्रिप ओवर देम. किसी का पैर ऊपर पड़ सकता है और उसका पैर स्लिप हो सकता है. डू नॉट हाइड द कबर्ड. कभी भी कोई गेम खेलिए तो कबर्ड के अंदर अपने आप को मत छुपाइए. इफ समवन लुक्स लॉक्स इट, यू कैन गेट ट्रैप्ड इनसाइड. अगर किसी ने बंद कर दिया तो आप उसके अंदर ट्रैप हो सकते हो, उसके अंदर फंस सकते हो. सो स्टूडेंट्स, अभी सिर्फ इतना पढ़िए और इस लेसन को आगे भी पढ़ सकते हैं. इजी इंग्लिश में है, उसको समझ सकते हैं. और यहाँ तक रखिए, अगली वीडियो में प्लेग्राउंड से लेकर के लेसन को कवर किया जाएगा. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.